It's the dream of every cricketer to play for the country, and if you get a chance to lead your country, then it is like icing on the cake. Something similar happened with Yash Dhull, who lives in Janakpuri, Delhi. He will captain India in the Under-19 World Cup to be held in West Indies. He is going to follow in the footsteps of Virat Kohli. Virat Kohli has also captained the Indian Under-19 team. Under his leadership, India won the Under-19 World Cup in 2008. Now Yash will also have the same expectations. ये काफ़ी के हमारे लिए खुशी की बात है कि यश धुल इंडिया का अपना कैप्टन बना है। उससे पहले वो हमारे लोकल मैचेस के लिए, हमारे स्कूल की टीम के लिए भी कैप्टन रह चुका है, हमारे क्लब के मैचेस रहा, तो अब इंडिया को लेकर काफ़ी खुशी की बात है। यश का मेरे को फ़ोन आया कि सर मैं मुझे एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप की टीम का कप्तान भी बनाया गया है, तो मैंने उसे कांग्रेस बोला। उसने बोला सर और क्रेडिट गोज़ टू यू, और मैं बड़ा हैप्पी हूँ और मैं अपना 100% दूंगा और मैं वहाँ पे इंडिया को जिता के लेके आऊँगा। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है यश जब आई थिंक 11 साल का था, उसके दादा उसके साथ फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में उसे लेके आए थे। तो काफ़ी पेरेंट्स पैशनिक था, बचपन से ही काफ़ी क्रिकेट के लिए काफ़ी पैशन देता था और बहुत ही अच्छा प्लेयर था और नेचुरल टैलेंट था उसमें। तो उसकी क्रिकेटिंग जर्नी बाल भवन के साथ काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी खेले, मैचेस भी खेले, इंटरनेशनल मैचेस भी हमने यश के साथ गए। हम इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून, वहाँ पे इंटर स्कूल का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे भी गए यश के साथ। हम नेपाल भी गए टूर्नामेंट खेलने, मलेशिया भी गए। तो यश को हमने छोटी एज में काफ़ी ग्रूम किया है। तो अपनों से कभी भी हम यश को 11 साल का था तो कभी हम उसे छोटों में नहीं खिलाते थे, हम उसे हमेशा बड़े एज ग्रुप में ही खिलाया। कभी 11 था तो 13 में खेलता था या 14 में। जब 14 साल का हो गया था तब उसे 16 या ओपन लीग खिलाते थे। तो उससे उसकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ऊपर निकल गया। तो उसी का ही आज वो फल कर रहा है। क्योंकि और एक चीज़ और है यश धुल में, यश धुल कभी भी इतना पैशन, कभी मैच के लिए कभी लेट नहीं होता। अगर मैच में अगर हमने 8 बजे बुलाया है तो 7:45 पे ग्राउंड में मिलता था, तो जो कि बाय बर्थ है और सुपर ऑनेस्ट है वो क्रिकेट के लिए। ये लीडरशिप क्वालिटी जब वो 13 साल का था, जब हम टूर्नामेंट खेलने गए थे द इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पर राय वाला, तो वहाँ उस स्कूल से ऋषभ पंत भी पास आउट है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होता है। तो ये लीडरशिप मैंने पहली बार उसे कप्तानी, जब वो 13 साल का था, जब वो 15 साल के बच्चों को कप्तानी कर रहा था, तो जो उसका माइंडसेट था और जो गेम के प्रेशर को रिलीज़ करता है और जितना काम रह के डिसीजन लेता है, तो वो काफ़ी उसे अब जाके वो बहुत चीज़ हेल्प करेगी। यश आई थिंक सबसे पहले दिल्ली अंडर 14 के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो जो उसके कैरियर में एक थोड़ा सा जो भी कह सकते हैं कि एक बैड फेस था, वो 14 में था, कि 14 में उससे इतने रन नहीं बने थे, बट उसने अपने आप को फिर अपग्रेड किया। उसके बाद वो 16 खेला पहले साल, उसके बाद उसने 250 बनाए। उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर जब खेला तो एज ए कप्तान अंडर 16 खेला। उस साल उसने 100 बनाया, 280 थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका जेडसी नहीं लग के आया था, तो वो थोड़ा सा उसके लिए स्ट्राइडबैक था। बट उसके पीछे उसके बाद उसने कभी मुड़के नहीं देखा। उसके साथ नेक्स्ट ईयर वो एज ए कैप्टन तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, वनडे में तो वो एज ए प्लेयर था, बट डेज़ में वो एज ए कप्तान बन गया था अंडर 19 दिल्ली का कूच बिहार के लिए। तो उसके बाद वो हमेशा क्या नाम, उसने रन बनाया और वो खेलता गया, कभी टीम से ड्रॉप नहीं हुआ। सर यश के अंदर सबसे बड़ी कि वो बहुत सुपर ऑनेस्ट है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और गेम के लिए पैशनेट है। और जो पैशन है वो आप टैलेंट सब में हो सकता है, बट जो पैशन है और जो डेडिकेशन है वो सब में नहीं होती है। तो वो आज भी उसी तरीके से नट्स करता है जैसे वो कि आज पहला फर्स्ट डे है उसकी अकेडमी। तो ये बड़ा एक बच्चे को लाइन से अलग, अगर 100 बच्चे खेल रहे हैं तो उनसे लाइन में सबको अलग अलग ये करते हैं कि जब भी वो 100%, चाहे कैसे ही नट सेशन हो, वो अपना 100% देता है और अपनी फिटनेस को हमेशा ऊपर। उससे पहले हम यहाँ पे दिल्ली में हम लोकल टूर्नामेंट इतने अच्छे खेलते थे कि हमारे साइड के, हमारी जब बाल उनके साथ अगेंस्ट जो टीमें होती थी, तो हम रणजी ट्रॉफी साइड के साथ उनके प्लेयर को जैसे प्रदीप सांगवान और ये हमारे अगेंस्ट खेलते थे। तो उसको वो एक्सपीरियंस बड़ा पे कर रहा है कि दिल्ली में हॉट वेदर में उसने ONGC के लिए नहीं हरा दी थी एक बार। तो हॉट वेदर सुपर लीग में वो हमेशा दिल्ली के क्रिकेट में अच्छे टूर्नामेंट और अच्छे मैचेस खेल के गया। तो जब वो वाला कंपटीशन आता है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अपनी नर्व्स कंट्रोल करनी होती है। तो वो उसने अच्छा, वो बड़ा इस ग्रुप क्रिकेट में उसे कभी इस चीज़ का इशू नहीं हुआ। तो उसका आप 100% जब रन बना के जाओगे तो आप कोई भी साइड हो आपको सेलेक्ट करेगी। और यश का कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं आया, क्योंकि वो लोकल क्रिकेट में हर जगह रन बना गया था। 1-2 बैड पैच आता है सबका, बट उसका ज़्यादा देर तक रहता नहीं था, क्योंकि वो फील्डर भी बहुत अच्छा था, गेम में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है उसकी। मेरा। हाँ, ये यश दुल ज़्यादा सोचता नहीं है गेम के बारे में ना। जब वो आता है ग्राउंड के अंदर तो उसे ये नहीं परवाह कि मुझे कौन सी मिनट्स मेरे अगेंस्ट कौन सा बॉलर है कौन सा नहीं, वो खाली बॉल को देखता है, रिएक्ट करता है। वो ज़्यादा सोचने वाला प्लेयर नहीं है क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है और अपनी अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी नेगेटिव चीज़ें ग्राउंड के अंदर लाता ही नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है अगर यश धुल का वर्ल्ड कप और एशिया कप अच्छा चला गया तो अगले 2 सालों में वो इंडियन कैप ले लेगा और जैसा जिस क्या नाम पीक पे वो है उसे कम से कम मेरे ख्याल से 2,000 रन तो बनाने पड़ेंगे वनडे के। मुझे लगता है कि 100 टेस्ट मैच खेलने वाला ये दिल्ली का नेक्स्ट बल्लेबाज होगा। अब बाकी आई होप आपको अपने डे बाई डे इम्प्रूव होना है कि वो अपने आप को अपना क्रिकेट कैसे इम्प्रूव करके ले जाता है और कितना हार्ड वर्क करता है। अब इतनी क्रिकेट से इसे इतना मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो अपना क्या नाम कॉन्फिडेंस लेवल, अपना मेंटलिटी लेवल, अपना फिटनेस लेवल, आपको सारी चीज़ें इम्प्रूव करके और अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसा मैं यश धुल को देखता हूँ कि जैसे उसका पैशन तो मुझे जस्ट लाइक विराट कोहली, क्योंकि विराट के साथ हम भी जूनियर डिग्री खेले हैं, तो जैसा उसका ग्राउंड में एटीट्यूड था ऐसे ही यश धुल का था कि वो एक रन के लिए लड़ता है। चाहे आप बैटिंग कर रहा है जब भी, आप फील्डिंग कर रहा है जब भी, कप्तानी कर रहा है जब भी, उसे ग्राउंड के अंदर अपना 100% खुद का भी चाहिए और प्लेयर्स का भी चाहिए। तो मुझे जस्ट लाइक विराट कोहली का मुझे उसका अंदर लगता है कि यार वो विराट कोहली को रिप्लेस कर, उसकी वो जो उसका पैशन है वो उसके आसपास ही है। प्राउड की बात है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए प्राउड की बात है कि यश दुल कैप्टन बना है। हमारी बड़े दिन से ख्वाहिश थी कि हमारे स्कूल का बच्चा कैप्टन बने, इंडिया खेले। यश हमारे पास 2013 में आया था 5th क्लास के अंदर। तब से ये प्रॉपरली 5th क्लास से ही मतलब ये प्रॉपर प्रैक्टिस करता है, हमारे पास प्रॉपर अपना टाइम देता है, स्कूल में पढ़ता है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, पढ़ाई में अच्छा है बच्चा, वेल डिसिप्लिन बच्चा है। तो जो बच्चा डिसिप्लिन करेगा वो पता खेलेगा भी और पढ़ेगा भी।